होगा फिल्म जवान का कलेक्शन, क्या है फिल्म की कहानी, क्या रिकॉर्ड तोड़ेगी कदर टू का, जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट सूर्या से। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड क्रेजी के सीनियर पत्रकार सूर्या। सूर्या, क्या जवान का कलेक्शन क्या होगा? जवान का फर्स्ट डे का कलेक्शन बहुत बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। उस दिन दही हंडी भी आपको पता होगा बुधवार के दिन, और मेरा ऐसा मानना है कि लगभग ये 4,500 से 5,000 स्क्रीन्स लेगी इंडिया में, और फर्स्ट डे फिलहाल अनुमान तो यही लग रहा है कि 75 करोड़ तक का ओपनिंग ले सकती है, 70 से 75 करोड़। अच्छा, इसमें कई सारे लुक दिख रहे शाहरुख के। जी, देखो कभी कहीं ये लुक दिख रहा है, कहीं अलग लुक दिख रहा है, क्या लगता है क्या होगा कहानी, क्या क्या होगा? कैसे है ना, ये फिल्म बाप बेटी वाली कहानी है एक्चुअली, क्योंकि ट्रेलर में आप एक डायलॉग देखोगे कि मेरे बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, है ना। तो कहने का मतलब कि बाप बेटी की कहानी है, और स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेलर में ध्यान से देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें उसका बाप करना चाहता है लेकिन वो हर बार फेल होता है या कई बार फेल होता है, ये हल्का सा डायलॉग में पता चलता है। यानी कि शायद एक ऐसा बेटा है जो अपने बाप को फेलियर होते होते देखकर बड़ा हुआ है, वो चाहता है कि उसके पापा की जो इच्छा हो वो शायद ये पूरी करना चाहता है। जब बेटा के और जब बेटा कहीं ना कहीं शायद फंसने लगता है लास्ट में अपनी जो चीज़ें करते वक्त, देश के लिए कुछ अच्छा करते वक्त, तो शायद बाप आता है सपोर्ट करने बेटे को, ऐसा फिल्म दोनों साथ में कुछ ऐसे ही नज़र आ रहा है। ऐसी फिल्म हमने पहले भी देखी है, फिल्मों का कंसेप्ट जो है जवान का बहुत ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन इसको पेश करने का तरीका नया है। लगता है गदर का कलेक्शन जो हो रहा है 5-6 करोड़ हो चुका है, लगता है टक्कर देगी ये? 110% टक्कर देगी, क्योंकि ये पहली हिंदी फिल्म है जो तमिल और तेलुगु वर्जन में हाउसफुल है, ऑलमोस्ट हाउसफुल है। गदर क्या है ना, गदर को टक्कर देना काफ़ी मुश्किल होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मुश्किल होगा क्योंकि गदर ने 4,000 स्क्रीन्स पे 500 करोड़ की कमाई की है। वही जब पठान आई थी तो उसको 39 डेज लगे थे 524-25 करोड़ करने में। यानी कि मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि गदर का रिकॉर्ड तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिल्म देखो साउथ के डायरेक्टर की फिल्म है, अभी कुछ बोल नहीं सकते। एक हिंदी डायरेक्टर होता हम ज़्यादा कुछ क्लियर बोल सकते थे। पठान का जो बज़ है, इसका बज़ है, बज़ में ज़्यादा इसको चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना लॉन्गर रन में फिल्म कैसी चलती है वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके गाने बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। आप अगर ध्यान दोगे पठान के गाने बहुत अच्छे, इसके गाने बहुत अच्छे नहीं है, और कहानी भी कभी औसतन लग रही है। इसका हाइप अच्छा है, बट वो हाइप कितना लंबा चलेगा वो बहुत मैटर करेगा। तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है। बॉलीवुड का दौर आ चुका है, आप कह सकते हैं बॉलीवुड का दौर आ चुका है। ड्रीम गर्ल 2 भी हिट हो चुकी है, और उसके अलावा जितनी भी फिल्में अब आ रही है वो अच्छी लग रही है, ऐसा लगता है चलेगी। क्योंकि जैसे गदर 2 ने जो धमाका किया, ओ माय गॉड 2 भी बहुत बड़ी हिट हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन करेगी। अगर 500 करोड़ लेकिन करने का दम ये रखती है फिल्म, मैं कह सकता हूँ 500 करोड़ कर सकते, लेकिन कितना आगे जाएगी ये अभी तो कुछ कह नहीं सकते। ओके सर, थैंक यू सर।